हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लॉन्ग फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। अगर फ्रेंड आप अभी तक मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सबसे पहले मेरे हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फिर चलिए देखती हूँ उसको किस तरह से कट करना है, पूरा स्टेप बाई स्टेप सीख लेती हूँ। तो देखिए, ये हमारा फ्रॉक का पीस है। कुछ दिन पहले हम इसको ऑनलाइन से ऑर्डर किया है, तो उन लोगों ने देखिए ऐसे ही दे दिया है, सिर्फ मिडल से एक सिलाई करके दिया है। तो हमें अभी क्या करना है, फिर से हम इसको खोलकर नया काट करना है। तो ये फ्रॉक हम 34 साइज के हिसाब से हमें काट करना है। इसके लिए हमें पहले कुछ मेजरमेंट जानना जरूरी है। फ्रॉक का लेंथ 54 इंच, चेस्ट 34 इंच, अपर चेस्ट 38 इंच, एक्स्ट्रा 2 इंच लेना है, कमर 30 इंच, एक्स्ट्रा 2 इंच, शोल्डर 15 इंच। तो हम 15 को हाफ करने से 7.5 इंच आता है। स्लीव 21 इंच, स्लीव का राउंड 8 इंच। हम इसको बूट नेक में काट करना है नेक को। तो फिर चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह से काट करना है, पहले सीख लेती हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से सिलाई किया हुआ है, पहले हम इस सिलाई को खोल लेना है। ये कुछ काम का नहीं है, तो इसलिए पहले इसको खोल लेना है। देखिए ये ऊपर का पार्ट है, देखिए हम पहले इसको 2 फोल्ड करके बिछाया है, तो अभी और एक फोल्ड करना है, तो टोटल 4 फोल्ड हुआ है। ऊपर का पार्ट का जो लंबाई है, तो हम इसको 15 इंच रखूंगी, 15 इंच। और सिलाई के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो टोटल 16 इंच लेना है, 16 इंच। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से शोल्डर 7.5 इंच है और नेक हम 4 इंच पर रखूंगी। फिर यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन करना है इस तरीके से। फिर उसके बाद हम यहाँ से आर्मोल लेना है, आर्मोल हम 6.5 इंच पर रखूंगी। और यहाँ से नेक लेना है, नेक 4.5 इंच लेना है। फ्रंट नेक और बैक नेक हमें समान रखना है, और यहाँ से भी 4 इंच। फिर हम देखिए, हम इसको इस तरीके से हल्का सा मिला देना है। यहाँ से 9.5 इंच। यहाँ हमें अपर चेस्ट के हिसाब से हमें नाप लेना है 9.5 इंच, और इसमें 10.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है, हम यहाँ से 9.5 इंच ही लेना है। फिर हमें इसको इस तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद देखिए, यहाँ से हम 1 इंच लेना है, 1 इंच। इस तरीके से हमें देखिए, इस तरीके से हमें मिलाया है। तो अभी हम इसको काट कर लेना है। तो देखिए, हमें फ्रंट साइड में हम हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है।
उसके बाद हमें बैक साइड में टैक्स देना है। ये टैक्स हम 4 इंच पर रखूंगी। फिर हमें इसको 4 इंच तक ही उठाना है। हम इसको थोड़ा सा काट कर निशाना कर देना है। देखिए हमें इसको इस तरीके से काट किया है, तो देखिए ऊपर का पार्ट का कटिंग कंप्लीट है। तो अभी हम नीचे का पार्ट को देखना है। इसको पहले हम इस तरीके से देखिए मिला का लेना है दोनों पार्ट को। नीचे का पार्ट तो 2 पार्ट किया हुआ है यहाँ, तो पहले हम इसको अच्छे से मिला लेना है। लेने के बाद देखिए नीचे से भी अच्छे से मिलाना है। उसके बाद देखिए हमें यहाँ से और कितने इंच तक लेकर काट करना है। अभी हम इसका लंबाई लेना है। लंबाई देखिए कैसे लेना है। पहले हम ऊपर की तरफ से हमें एक सीधा लाइन कर लेना है। सीधा लाइन देने के बाद ही हम लंबाई का नाप लेना है। यहाँ से हम 39 इंच पर रखूँगी। तो देखिए हम ऊपर से 15 इंच लिया है और सिलाई के लिए इस तरह हमें 1 इंच लिया है, तो टोटल हम 16 इंच लिया है। तो 15 और 39 को प्लस करने से 54 होता है। तो हम यहाँ से भी 54 इंच ही बराबर देखिए मिला लिया है। उसके बाद देखिए हम इसको काट कर लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे से भी काट करना है। तो देखिए ये ऊपर का पार्ट है, ये इस तरह से रहेगा। देखिए इसका कटिंग कंप्लीट है। अभी हम स्लीव का कटिंग कर लेना है। देखिए आप लोग देख सकते हैं इसमें फैब्रिक कम है, फिर भी हमें देखिए इसको काट करना है। काट कैसे करना है देखिए, इसमें स्लीव का लंबाई भी 28 इंच दूर लेना है साइड से। पहला हम इसको काट कर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद देखिए इस फैब्रिक को हम इसमें ज्वाइन करना है। जिस साइड से फैब्रिक कम है उसी साइड में हमें ज्वाइन लगाना है। तो देखिए उसको किस तरह से काट करना है। पहले हमें सीधा काट कर लेना है। तो इसमें भी हमें 4 फोल्ड कर कर ही लिया है फैब्रिक को इस तरीके से। हम अभी इसको आइडिया से काट कर रहे हैं, शायद इसमें आ जाएगा। इस तरीके से काट किया है इसको। यहाँ से हमें नेक पट्टी काट करना है। ये नेक पट्टी के लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ से टाक सिलाई करना है। देखिए टाक के लिए हमें पहले से काट कर निशाना देकर रखा है। उसके बाद इसको भी सिलाई करना है। देखिए हम इसको इस तरीके से टैक्स दे दिया है। तो इसके बाद देखिए क्या करना है। उसके बाद अभी हम नीचे का पार्ट को ज्वाइन करना है। देखिए ये फ्रंट साइड का पार्ट है। उसके बाद देखिए हम इसको सिलाई करना है। इस तरीके से हमें बराबर मिला कर लेना है। लेने के बाद हम यहाँ से सिलाई करना है। सिलाई हम 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर सिलाई करना है।
देखिए हम इसको इस तरीके से सिलाई किया है फ्रंट पार्ट को इस तरह से। उसके बाद हम दूसरा पार्ट सिलाई करना है। देखिए हमें दूसरा पार्ट से भी हम इस तरीके से टैक्स लगाया है। तो उसके बाद देखिए हमें इसको भी इस तरह से बराबर पहले मिला कर लेना है यहाँ से। दोनों पार्ट को देखिए किस तरह से जॉइन करना है इसको। देखिए हमें शोल्डर से बराबर मिला कर लेना है। उसके बाद दूसरा साइड से भी यहाँ से मिला कर लेना है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अभी हम स्लीव सिलाई करना है। देखिए इसको मिडल से बराबर आकर सिलाई करना है। देखिए इसको सिलाई कर लिया तब यहाँ हम दूसरा साइड सिलाई करना है। तो स्लीव सिलाई करने के बाद हमें देखिए अभी क्या करना है। उसके बाद हमने एक पुट्टी सिलाई करना है।
तो उसके बाद हम नेक को छोटा छोटा काट लगाना है। नेक को छोटा छोटा काट देने के बाद देखिए हम नेक पट्टी को इस तरह से करना है। करने के बाद हम सिलाई कर लेना है। उसके बाद हमें नेक को इस तरह से फुल करके सिलाई करना है। देखिए हम अंदर की तरफ फुल करना है इसको इस तरह से। देखिए हम इस तरह से नेक को सिलाई किया है। चाहता आप इसको हाथ से भी तुरपा कर सकते हो, लेकिन हम इसमें मशीन से ही सिलाई कर लिया है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम उसका फिटिंग्स माप लेकर हमें सिलाई कर लेना है। देखिए हम यहाँ से सबका निशान दिया है, उसके हिसाब से हमें सिलाई कर लेना है। फिर हम इसको स्लीव से मिलाकर बराबर सिलाई करना है। तो दूसरा साइड को देखिए हम नीचे से इसको सिलाई कर ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। देखिए इसका सिलाई कंप्लीट है, साइड का सिलाई। तो अभी हम नीचे से मुड़कर सिलाई करना है। देखिए फ्रेंड इसका सिलाई कंप्लीट होने वाला है।
इसका सिलाई पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए हमें इसको इस तरीके से सिलाई किया है। अगर फ्रेंड वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरे हर आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से मुलाकात होगा नई वीडियो के साथ।